ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਦੱਸ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਾਇਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਉਤਵਾਰਾ ਜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ यहां पे चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। बुराई झूठी बातों के लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सच पे चलना तो दूर, सच पे चलने वालों गुमराह किया करते हैं। तो ऐसे भयानक कलयुग में, ऐसे शैतानियत के युग में अगर आत्मा को कोई सहारा है, अगर आत्मा की कोई खुराक है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम है। उसके नाम के बिना आत्मा आधारहीन है, उसके नाम के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं है। और नाम का सुमरण जो भी जीव करते हैं, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब जो सच्चे दिल से याद किया करते हैं, उनके आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। जन्म मरण से आजादी मिल जाती है और वह जी कर्मों से निःकर्म हो जाता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। मालिक का नाम लेना अच्छे संस्कारों का और अच्छे भागों का उदय होना है। सुमरण के बिना
आप अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकते। सुमरन के बिना काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आपकी बर्दाश्त शक्ति आपके वश में नहीं रहती। बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, जरा सी बात को आप दिल पे लगाने लग जाते हैं और आपको टेंशन होने लगती है, चिंता में आप को लगता है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आपका मन है जो आप पे हावी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सुमरण नहीं करते। अगर थोड़ा सा समय भक्ति इबादत में लगा दो, निश्चित कर लो कि मैं 10-15 मिनट लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो जिन्होंने सच्चे दिल से तड़प के देखा भक्ति इबादत की, उनकी भावनाएं उनके काबू में आ गई, वो अपने विचारों पे कंट्रोल करने वाले बन गए। और इस युग में जिनको अपने विचारों पे काबू है वो संसार में सबसे सुखी है। जिसके विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है, क्योंकि उसके अपने विचार काबू में नहीं तो शांति कहां से रहेगी? शांति, चैन, आनंद यह तो तभी होगा जब विचार काबू में होंगे। और विचार काबू में करने के लिए और कोई दवा नहीं सिवाय राम नाम के। राम का नाम ही वो शक्ति है, वो ताकत है जो विचारों को काबू कर सकता है। आपकी इच्छाएं बढ़ते चली जाती हैं, आपका मन आपके ऊपर इस तरह से छा जाता है जिस तरह से काली घटा गंगोर सूरज पे छा जाती है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है। लेकिन वो घटा गंगोर तो अच्छी लगती है, पर मन घटा गंगोर जब छा जाता है तब गुरु, पीर, फकीर और उसके वचन अच्छे नहीं लगते। तब तो मन और मनमता जो साजो समान है बड़ा मीठा लगता है। लेकिन अगर भाग्य अच्छी है और गुरु मुर्शिद कामिल पूर्ण है और आपकी आत्मा में कोई जमीर नाम की कोई चीज आपके अंदर बची है, वो आत्मा की आवाज को आप सुनते हैं, तो फिर भी जब वो आपको समझाए, जब आपको वो टोके, तो आपके दिलो दिमाग से वो मन का पारा उतर जाता है। जब बुखार चढ़ता है ना, आदमी को 36 प्रकार का भोजन दे दो फेंक देता है, मैं नहीं खाता, स्वाद नहीं लगता। इसी तरह जब मन का पारा चढ़ा होता है ना, संत पीर फकीरों के वचन अच्छे नहीं लगते। और जब मन का पारा डाउन हो जाए, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मर गए अब तो यानी जब पारा डाउन होता है 98.6 की बजाय वो 96 में रह जाए एकदम से, तो चाहे 3 दिन का सूखा पड़ा हो सब रगड़ जाता है, कहता बड़ा स्वाद है, कहाँ बनाया था, 3 दिन पहले बनाया था, याद नहीं, कहने वाला ये कह देता है। लेकिन उसको तो 36 प्रकार का भोजन लगता है। तो वैसे जो मन में अंबार में जाता तब तो मैं गधा 25 सी उम्र है जो जवानी का, गधे की तरह पछंडी जाड़ी तड़ाक, गधे को अब अगर कोई छेड़े, अगर उसकी कोई सजदा करने लगे पीछे की तरफ, गधा सोचेगा मेरी टांग पकड़ता है तो वो तो तुरंत झाड़ेगा ही झाड़ेगा, और सजदे का हाल 32 ही बार होगी। तो वैसा ही मन जब अहंकार जाता है तो ये दलती झाड़ता, इधर भी, इधर वाले को भी नहीं, इधर वाले को भी नहीं। लेकिन जब एकदम से कोई गाज गिर जाए और मालिक का कोई रहमो करम हो जाए और आदमी को अकल आ जाए, तो फिर पता चलता है, फिर उसे हर वचन ही अच्छा लगता है, गुरु पीर फकीर अच्छा लगता है, फिर भी बागों वाला है। अगर किसी की ऐसा हो जाए, किसी को ऐसी समझ आ जाए, क्योंकि मन बड़ा अहंकारी, जब इसकी बात हो, बड़े ही हो, बाबा हो, तो बड़ा खुश होता है, जरा सी कोई टोक टिप्पणी हो जाए तो मन आकड़ के खड़ा हो जाता, मैं तो ये था, मैं तो वो था, मेरे साथ ऐसा क्यों, पता नहीं कर्मों का क्या दायरा, ये तो अल्लाह मालिक जाने। कल चर्चा करते करते भाई सज्जन कह रहे थे कि भजनों में आता है कि चाहे तू घास खुदा तेरी मर्जी है और चाहे तू तख्त पे बिठा तेरी मर्जी, तो अपने गुरु को एक मुरीद कहता है, कल कुदरती वो बात सही होती नजर आई,
विप्रवा जी के हुक्मानुसार वहां सेवा चल पड़ी और इतना घास निकाला खेतों में से, दो दो तीन तीन साल का जो जमा हुआ था अपने भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि ये निकलेगा, तो वहाँ घास का काम शुरू हो गया। तब पता चलता था घास खोदना क्या चीज होता है, बोलना क्या चीज होता है, करना क्या चीज होता है। छक्के छूट रहे थे भाई, वो रंग उड़ रहे थे कि भाई है बड़ा कम डेटा था, अभी तो एक दिन ही खुदवाया। वो तो कहा कि सारी उम्र चाहे खुदवाता रहे, ये तो तेरी मर्जी है, तो प्रैक्टिकल करके देखो, तब पता चलता है कि बोलना क्या चीज है और हुक्म क्या चीज है। करके देखो पता चलता है, एक दिन भी घास बोलने में अगर कब्जी हो जाती है तो आप हिसाब लगाओ, सारी उम्र घास खोदते रहो, मालिक तेरी मर्जी है, फड़ा मारनी है तो होर गल है। जो कहते ना अब आया हूं पहाड़ के नीचे, तो तब तो पता चलता है हाँ भाई कहना इससे तो कहना ही ठीक नहीं है। सो कहने का मतलब प्रैक्टिकली करो, तब पता चलता है कि अगर तन को कितना भी तकलीफ देनी पड़ जाए, चाहे ये कट भी क्यों ना जाए, कहने का मतलब है मुर्शिद कामिल तो हुक्म करो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और गुरु ऐसा क्यों करेगा, वो तो हमेशा ही चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, जीव उसका मुरीद उसका, उसका भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। शरीर को एक बार चाहे कष्ट आता है क्यों ना हो, उससे आने वाले टाइम में क्या पता उसके कितने भयानक कर्म कट जाते हैं, ये तो मालिक अल्लाह राम सतगुरु जानता है। सो है तो बड़ा मुश्किल सा काम ये रूहानियत, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, पेचेस दे खोल दे खोल दे काफिल हो जाए बंदा, कि जब इसकी तह खोलता है ना यूं पेच ऐसे सरोवर पेच खोलता जाता है खोलता जाता है, कहता शायद काफिर हो जाए, मानने से इनकार कर दे। एक यहाँ पे बागड़ी आए थे मारवाड़ी भाई, गायक थे गाते थे, नाम चार से निकला, तो वो गा रहे थे कि भगवान मैं क्या जानू तेरा गोरख धंधा, अब अगर चोर के अंदर बैठे चोरी भी करता है तू और पीछे ठाणेदार लाठी लेके भाग रहा है वो भी तू, मैं क्या जानू। तो बात तो ठीक है, हर जगह तू ही तू, ऐसा कुछ उन्होंने भजन बोला था कि हर जगह जीव जंतु में हर जगह तू ही तू, कुछ ऐसा ख्याल नहीं आ रहा, तो उसने भजन बोला था। तो बाकी बात तो सही है, मालिक तो हर किसी में, ठीक है मालिक चोरी नहीं करता हूँ, क्योंकि शब्द बनाने वाले को इतनी रूहानियत की कहाँ समझो थी, क्योंकि मालिक अंदर से कभी किसी को बुरी प्रेरणा नहीं देता, लेकिन वो खुद वचनों में बना है। आदमी का मन नफशतान उसका काल और माया उसको भरमाते तो बुरे काम करता है, अच्छे काम करता है तो वो मालिक करवाता है, क्योंकि उसकी आवाज से ही संभव है अच्छे कर्म, वरना इस कलयुग में अच्छे कर्म का तो मुंह नहीं होता, उधर करने तो दूर की बात। तो भाई ये अजीब और गरीब दास्तां है उस मालिक की प्यार मोहब्बत की, और जो उसे प्यार मोहब्बत कर ले तो पूरा अमल करे दृढ़ विश्वास करे तो दोनों जहां की खुशियों से मालामाल हो सकता है, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मालिक का प्यार उसकी मोहब्बत ऐसा अनमोल खजाना है, भागों वाले जीव वो नसीबों वाले जीव होते हैं जिनको यह खजाना मिला है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत परमानंद देने वाला है, लेकिन इसमें रुकावटें भी बहुत आती हैं। मनमति लोग टोकते हैं रोकते हैं, मनमति का कहना मतलब इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया भी क्या पता कब गुमराह हो जाए, उसका मन क्या पता किस घड़ी हावी हो जाए और वो आपको गुमराह करने लग जाए। तो इसलिए मन के कहे ना चलो ना मनमति लोगों की सुनो। मालिक के प्यार मोहब्बत में महापुरुषों ने लिखा है कि अगर कोई टोंट भी कसता है, ताने देता है, उलाहने देता है, तो अगर तू चुपचाप उसे झोली में डलवा लेता है तो समझो तू रूहानियत की राह में बहुत आगे बढ़ सकता है, मालिक के दर्शनों के काबिल बन सकता है, क्योंकि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। बर्दाश्त शक्ति इंसान के अंदर होगी तभी वो लोगों के ताने टोंट उलाहने सह पाएगा, और बर्दाश्त शक्ति उसी के अंदर होती है।
जिसका दृढ़ विश्वास है और जो सेवा सुग्रह करते हैं, वरना ऐसा मुश्किल है, आदमी सहन नहीं कर पाता जरा सी बात। तो इस घोर कलयुग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मालिक कि अगर प्यार मोहब्बत के काबिल बनना है तो अपनी सहन शक्ति को, आत्मविश्वास को बुलंद रखो। आम मजाजी प्यार में भी कहीं पे लिखा हुआ मिलता है सच झूठ मालिक जानता है। मजाजी प्यार दुनियावी प्यार से बताते हैं कि मजनू बिल्कुल सूख गया, और किसी ने कहा कि तू तो बिल्कुल सूख गया है, इतनी भक्ति इबादत अगर अल्लाह की करता तो वो तुझे दर्शन देता। किसी फरिश्ते ने ये बात कही या किसी ने आके कहा तो आगे से कहते मजनू कहता अगर अल्लाह ने भी आना है तो वो लैला बन के आई। सो इतना अगर मजाजी प्यार में आदमी इतने पत्थर सह सकता है, चोटें सह सकता है, फिर भी उसका विश्वास इतना अटल रहा, तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार में तो इंसान का इरादा हौसले बहुत बुलंद रहने चाहिए। कभी किसी की परवाह ना करो, अपना एम बना के चलो, अपना निशाना बना के चलो। सतगुरु मालिक कभी कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता और किसी की गारंटी नहीं लेता। कोई भी आदमी कभी भी आपका दिल तोड़ सकता है, कोई कुछ भी बुरा कह सकता है, बात का पतंगड़ बना सकता है। इसलिए दुनिया की तरफ से होशियार रहो। आपने अपने सतगुरु अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड को रब से प्यार मोहब्बत किया है तो वो ऐसा नहीं है जो छोड़ देगा, वो तो दोनों जहां में हाथ पकड़े रखेगा। तो कच्चे लोगों से यारी इतनी डालो ही ना कि बाद में पछताना पड़े। पक्का यार, पक्का दोस्त अगर कोई है तो सतगुरु मालिक अल्लाह राम है। वही एक ऐसा है जिसे कभी किसी के दुख दर्द पे खुशी नहीं बल्कि दुख आता है। गुरु पीर फकीर उसका ऐसा होता है। तो आप कच्चे साथी ना बनाओ, पक्का साथी सतगुरु मालिक को बनाओ जो कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे आपको खुशी है चाहे आपको दुख है, वो हर पल हर समय हर जगह मददगार साबित होता है और खुशियों से हर जीव को नवाजता रहता है। तो आदमी को परमपिता परमात्मा से सतगुरु मालिक से दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके प्यार मोहब्बत अगर आपको मिल रहा है, हो सकता है तोड़ने के लिए मन और मनमति लोग कोशिश करें या आपके प्यार मोहब्बत से अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखते हैं, तो उस तरफ ध्यान ना देखें। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाना रखो, अपना गुरु पीर फकीर और वो अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब, दोनों ही एक रूप हो जाते हैं। जब आदमी सुमरण करता है मालिक उस रूप में आना पड़ता है जो फकीर उससे मिला होता है। चाहे सपने में हो चाहे सुमरण में हो, आम स्वरूप हो चाहे नूरी स्वरूप हो, तो आदमी दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े तो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती।